22 सितंबर को हुई भारी बारिश के कारण पूरा जनजीवन त्रस्त हो चुका था, जिसका मुआयना करते हुए क्षेत्र के सभी स्थानीय नेताओं ने घटनास्थल का मुआयना किया है। इसी श्रृंखला में आज सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बाढ़ पीड़ित इलाकों का मुआयना किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सुबह नागपुर में बाढ़ से प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे। नागपुर में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर के अंबाजरी तालाब के आसपास का इलाका हुआ है और इस इलाके का दौरा देवेंद्र फडणवीस ने किया और बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्या सुनी। नागपुर में शुक्रवार देर रात आई बाढ़ की वजह से लोगों के घरों में पानी घुसा और बड़ा नुकसान हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार बाढ़ से निपटने के लिए जरूर उपाय करेगी। 10% जास्त अशा प्रकारची कॅरिंग कॅपॅसिटी साधारणपणे तयार केली जाते, हा त्याच्या अनेक पट जास्ती होता, त्याच्यामुळे तेवढी कॅरिंग कॅपॅसिटी नव्हती। तथापि प्रत्येक डिझास्टरमधनं काहीतरी शिकून आपल्याला काय चांगलं करता येईल बघायचं। 10,000 घरांचं नुकसान झालेलं आहे, लोकांच्या घरात चिखल आहे, ते काढण्याकरता आणि तिथली पूर्ण सफाई करण्याकरता काम सुरू केलेलं आहे। मी घरी सांगितलेलं आहे की क्लोरीनच्या गोळ्या वगैरे लोकांना आता द्या, त्याप्रमाणे वाटप देखील करू आणि लोकांना पूर्ण साफसफाई करायला मदत करू। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।